जय हिंद दोस्तों, ये धर्मवीर डेयरी करनाल में है। धर्मवीर जी बहुत बढ़िया ये काम चलाते हैं, बड़ी अच्छी भैंस रखते हैं। भाव तो ज्यादा नहीं करते हैं, बताते हैं, बहुत ज्ञान भी रखते हैं इस मामले में। इस बार जो किताब आएगी तो उसमें इनका आर्टिकल आएगा, जो पढ़ना ध्यान। पहले आज भैंस देखो ध्यान से कहाँ जा रही है। ये अगली आ गई चौथे नंबर। बिल्कुल जी, ये तो अच्छे हैं, सींग अच्छे हैं, बाकी के एडर उतने अच्छे हैं। सींग अच्छे हैं, आर्डर के साइज अच्छा है, थनों की बनावट जबरदस्त है, दूध 14 लीटर तैयार है। अच्छा, दो टाइम तीन टाइम इसने भाई ने परचेज करी है, इसने मिल्किंग की है। कितने की खरीदी? महंगी ली? महंगी है, कॉस्टली है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अभी ठीक है। घर पे पूछ लिया? पूछ लिया, फादर से कंसल्ट कर लिया? क्या कहते हैं, भैया को भी कंसल्ट कर लिया? कहते ठीक है, ठीक है। 126 घर पे इतना ही बताओगे? हेरा फिर तो नहीं करोगे? अपनी जेब खर्च तो नहीं रखोगे? मिल्किंग भी इसी ने चेक किया? आप तो गाय का भी काम करते हो? बिल्कुल जी, मेरे का भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इनके दोनों के पालन में क्या अंतर है? गाय का रख रखाव में और भैंस में, भैंस सेफ है, सेफ है, गर्मी सर्दी हर मौसम में आराम से, कोई मुश्किल नहीं। गाय का एक मुर्गे जैसा शरीर होता है, हल्की से मौसम चेंजिंग में वो तबीयत तो उसी गड़बड़ाती है। हाँ जी, दूसरा उसके लिए खुला जगह बहुत मायने रखती है। यहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है भाई, अगर गायें हैं खुले में रहेंगी तो वो ज्यादा सेट रहती है। प्रॉफिट में ज्यादा कौन सी रहती है, गाय या भैंस? दोनों प्रॉफिट आएंगे। हमें तो ऐसा इसमें लगे गाय में भी सेम प्रॉफिट लग रहा है उसमें भी। हाँ, भैंस में क्या है, थोड़ा बिक्री में और दूध भी बिक जाता है, दूध में भी अच्छा प्रॉफिट है। गाय में इन जैसे भाई आते हैं तो प्राइस में अच्छा प्रॉफिट है। कितनी फैट होती है भैंस की? भैंस की तो 7 से लेके और 9 तक फैट जाती है। और गाय की? गाय की तो अगर दूध 20 से कम है तो 4-4.5 आएगी। अच्छा, और 20 से ऊपर चला गया तो 3-3.5 पे। रेट क्या है? गाय 60,000 से शुरू हो जाती है, भैंस 80,000 से शुरू हो जाती है। अच्छा, और उसमें अगर पानी मिला तो गाय वैसे ही बन जाएगा तो? अगर दूध का रेट करे, गाय का रेट जाएगा 40 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, अगर घरों में लोकल देंगे सिटी में तो 50 रुपए, भैंस का जाएगा 80 रुपए, 70 रुपए अगर दड़े में डालते हैं, अगर लोकल सप्लाई करते हैं तो 100-120 रुपए। अच्छा, पानी नहीं चलता? नहीं, पानी नहीं। अभी मेरा दूध जा रहा है भैंस, भैंस का 80-100 रुपए दे रहा हूँ मैं। अच्छा, तो बहुत पैसे कमाते हो। खेती में ज्यादा बचे? खेती एक अपनी जगह है, उसका 1 साल बच गया तो 2 साल उसी आस में आगे निकल देते हैं। तो फिर क्या इसका नाम लगा? 1.25 इसको लगा? 1.26। अच्छा, 1.26। 1.26। क्या नाम है आपका? इंद्रसेन। हैं? इंद्रसेन। इंद्रसेन, कितना पढ़े हो? मैं मास्टर्स कर रहा हूं। मास्टर्स कर रहा हूं। मास्टर? हां। एमए? हां। किस सब्जेक्ट में? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में जॉब करते हो? तुम्हारी झूठ बोलते हो, उम्र तो तुम्हारी इतनी है नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी दाढ़ी तो आई नहीं। हैं? एमए कब कर गए तुम? मैं नियत है, नियत है मेरे। अच्छा, कितने कितने साल के हो? मैं हाँ 23। फिर तो कर गए हो, सच बोलते हो? सच बोलते। कितनी भैंस खरीदी है? 10। कितने पैसे लाए थे? किसने? हाँ, 12,50,000। नगद लाए थे? नगद नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन दे दिए? इनको पहले बता दिया था कि इतने लाया हूँ? नहीं नहीं नहीं, पहले नहीं बताया था? पहले मत बताएगा, उतना ही बना लेंगे जी। बिकी हुई? क्या दाम लगा? ओनर सामने बैठा है। कितना दाम इसको? रेट? हाँ, 127। 1,000 और बढ़ा दिया। हाँ, दूध देने वाले हैं ना। क्या खासियत है भाई उसमें? इसमें
ये वो है थर्ड लैक्टेशन में, ये सेकंड लैक्टेशन में, इसकी हाइट भी उससे ज्यादा है, इसकी ब्यूटी भी उससे ज्यादा है सेकंड में। हाँ सेकंड में, बोलने को फर्स्ट में बिकेगी लेकिन सेकंड में आ गई। हाँ बच्चा दे रखा जी। तो दूध कितना दिया? 15 लीटर दूध आया। निकाला मौके पे तैयार है भाई, दो टाइम निकाला। चेक किया आपने? चेक किया। कितनी बार? 3 बार। सभी पशुओं का चेक करा के अगर इसकी सेटिस्फेक्शन हुई है तो लिया, नहीं तो मना। ट्रक का किराया कितना? ट्रक का किराया इसका 1,10,000 रुपए में ट्रक गया है, 12 चक्का। उसमें जाएंगे इसके 12 पशु। कितना सफर है? सफर लगभग 1400-1500 किलोमीटर है। 12 चक्के में 12 चले जाएंगे? हाँ आराम से। तंग तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, 10 चक्का भेजते उसमें 10 भैंसे बड़े आराम से। 5,000 बन जाता है? ज्यादा बन जाता। ट्रांसपोर्टर का डायरेक्ट नंबर दे देते हैं, बात कराते हैं, आप करो। हम नहीं देते, काम ही नहीं करते जी वो। सही है, ईमानदारी से काम करना अपना। कई व्यापारी हमारे सामने आए, वो कहते हैं ठीक है रख लेते हैं 5,000-7,000। जब जो काम हम कर रहे हैं पशुओं का, उसमें कमा लिया, उसमें नहीं पूरा पटया, उसके बाद फिर दाने में कमा लो उसमें नहीं पूरा पटया, फिर मैट लेंगे ये मैटों में कमा लो उसमें नहीं पूरा पटेगा, फिर ट्रांसपोर्ट में कमा लो, अगर सेट आपकी संतुष्टि होनी अंकल तो एक ही में हो जाएगी, नहीं तो होगी नहीं। अच्छा। ये जाएगा भैंस लेकर के? हाँ। तो इसको क्या वो दोगे सगुन? हाँ लग कुछ ना कुछ तो करेंगे इसको, वो बता रहा हूँ। हाँ हाँ कितना लोग? नहीं वो तो मान सम्मान हमको भी करेंगे, हमको भी तो करोगे कभी फिर, इसलिए बिल्कुल करेंगे अंकल, बिल्कुल करेंगे। चलो ठीक है, आज मिले पली हुई ना। हाँ हाँ। वैसे तुम्हारे सहकर्मी पलेंगे। हाँ हाँ। कितना दूध पिलाते हैं इनको? इनकी मर्जी अंकल, भैंस के बच्चे को नहीं छोड़ते, इनको छोड़ते, इनकी छूट है, जितना मर्जी पिए, कभी इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ। कि भैंस के बच्चे को चुरा के इनको दे दो। वो इनको अपनी मर्जी, इनको एक बोले बच्चे को जरूर पिलाओ। हाँ। आप ये 1 किलो पियो 2 किलो पियो, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। कितने दूध वाली है? दूध 16-17 लीटर तैयार है। करेक्टर बताओ। करेक्टर इसके मुर्रा के है लगभग, देखो आप हाइट इसकी बीच की है, आर्डर शेप इसका बिल्कुल पीछे पांव रख के चढ़ जाओ ऊपर, इतना मतलब लगभग एक ब्लास्ट का आर्डर पीछे निकला हुआ है, थनों की बनावट पूरा एक ब्लास्ट का गैप है जी, दार चुवाई बहुत बढ़िया, रिंग सिंग अच्छी क्वालिटी है। आपके पास यहाँ रहे तो कितने ब्यांत तक चला सकते हो? लगभग अभी ये 10-12 ब्यांत तक आराम से। वो जो भूरी खड़ी हुई है वो कितने ब्यांत? वो भूरी मेरे घर की है जी, वो मेरे पास 10 बार बच्चा दे चुकी है। कितनी पट्टी दी उसने? कितने पट्टे दिए उसने? उस कटिया बच्चे की अगर बात करें तो उसकी सिर्फ कटिया उसने 2 ही दी है बस अब तक। हाँ रखी है भेजी? नहीं, एक कटिया उसकी अभी पाली हुई है और एक उसकी तैयार की थी, वो उसको अटैक आया लगभग 1 साल से ऊपर की हो गई थी भूरी कटिया। हाँ भूरी के चक्कर में एक ही बार दी उसने। जो है वो ब्याह गई? नहीं वो तो छोटी कटिया अभी इसी ब्यांत की है। हाँ जी हाँ जी। तो इसका दाम क्या है? कोई दाम नहीं है जी, बिचनी कभी नाम ही नहीं लिया जी। नहीं नहीं उसकी नहीं। अच्छा गाय दिखा ये भैंस? हाँ। ये बेच दिया जी, ये इसको दिया 1,18,000 की। अच्छा। दूध 17 लीटर है। तो दाम कैसे कम कर दिए? इसकी हाइट भी नीची है, तीसरे ब्यांत में है। हाँ। दूध तो दिख दे रही है। हाँ दूध दे रही है लेकिन देखो हर चीज में दूध दूध के ऊपर। नहीं नहीं वो गलत नहीं करते अंकल, खाली दूध दूध के ऊपर पशु का रेट नहीं होता। अच्छा। अगर दूध के ऊपर रेट करे तो एमपी पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एमपी में है वो कितने रुपए किलो के हिसाब से वो रेट लगाते हैं। अच्छा। हाँ 1,000 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, 2,000 रुपए किलो। महाराष्ट्र वाले? नहीं महाराष्ट्र वाले दूध का नहीं, वो तुलना जरूर करते हैं गुजरात वाले, बाकी और किसी स्टेट में दूध का नहीं। एमपी में खास तौर पे दूध का ये देखते हैं, अगर 10 लीटर है ना तो इसकी कीमत 60,000 होगी, 70,000 बस, वो यहाँ पे बस कर जाते हैं। तो दूध के साथ साथ पशु के बॉडी करेक्टर शेप करेक्टर क्या है उसके अंदर वो भी मायने रखते हैं। अभी कामयाब? बिल्कुल बिल्कुल। 12 टेरी गार्ड में जाएगी? हाँ 10 भैंस है। कितनी फुट है उसकी बॉडी? हाँ जी बॉडी कितनी ट्रक की? 25 फुट से ज्यादा होगी लगभग। तो एक को 2 फुट दोगे? हाँ जी हाँ जी। 2 फुट में तो आप नहीं लेट पाओगे? नहीं खड़ी रहेंगे ना। कितनी बार उतरेंगे रास्ते में? 6-5 पड़ाव लगे इनकी सफर। हाँ जी 5। जैसे गाय स्ट्रेस में आती है तो नहीं? नहीं आती अंकल, मेन का है जैसे इसकी भी गाड़ी करी ना सुबह, ये भी वही कह रहा था, मैं तो गाड़ी 4 बार में जाती है हमारे वहाँ, तो 4 दिन में गाड़ी पहुंच जाती है, लेकिन हम गाड़ी पहुंच जाते हैं 6-7 दिन में,
उतना साइज पे कैसे मीठा हो? क्योंकि यहाँ से एक स्टॉप पहला किशनगढ़ है, 450 किलोमीटर पड़ जाता है, उससे आगे है रतलाम, वो 450 किलोमीटर है। रतलाम में हम डबल पड़ाव करवा देते हैं पशु को, ताकि रेस्ट मिल जाए। गाय हो या भैंस हो, कोई भी पशु है, रात में ही रेस्ट करता है, दिन में तो रेस्ट नहीं कर पाता। अब गाड़ी में पूरी रात खड़ी खड़ी जाएंगी ये। दूसरे पड़ाव पे इनको डबल स्टॉप करा दिया तो थोड़ा एनर्जी शरीर में दोबारा आ जाता है। करने पर ट्रक वाला आना कंट्रो नहीं करता, पहले खोल के चलते हैं उससे बात कर लेते। हाँ जी, ये कितना दूध दे देगी? ये जो पहली वीडियो बनी थी उसमें भी भैंस दिखाई गई थी, दिखाई थी जी, उसमें इसका दाम बोला था 1,25,000 रुपए। दूध था उस दिन 14 लीटर, अब इसमें दूध 16 लीटर। दाम इस भाई ने लिया 1,18,000 रुपए की, सामने बैठा है। पहली वीडियो में दिखाई थी हमने ये, तो रेट इन्होंने ज्यादा बोला था। अब आपको 1,18 की दिए, दूध देखा कितना? दूध 7-7 दिया। क्या है साथ में, मेल है फीमेल है? फीमेल फीमेल, फीमेल। तो कितनी भैंस लिए? 10 भैंस लिए। कितने फीमेल है साथ में इसके? तो मेल तो एक ही है, 9 फीमेल है। तो कितना खर्चा आएगा एक फीमेल को भैंस तैयार करने में तक? लगभग 1.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, आ जाता है। लेकिन तो घर की बनेगी? घर की बनेगी। अभी आते हैं, एक बार इसके साथ भाई आया हुआ था, वो मांग रहा था छोटे बच्चे दुआ दे। भाई करेगा क्या बच्चे का? भाई तैयार करूंगा। भाई तैयार करेगा या तो ले नस्ल का बच्चा जिसका मदर रिकॉर्ड फादर रिकॉर्ड कुछ पता हो, ऐसे बच्चे लेके करेगा तो वहीं पे बहुत मिल जाए तेरे को। या अपना पशु ले, कोई अच्छे दूध वाली भैंस ले, उसको आगे किस भूल से आपने प्रेग्नेंट करवाना वो देख, आगे जो उसका काफ आता उसको तैयार कर। वो एक का हमें आया था फोन, वो कहता है कि हमने दूध दांत वाली लेनी है पट्टी। मैंने कहा आ जाना, जहाँ लूटने वाले होंगे वहां ले चलूंगा। नहीं नहीं, वो बच्चों वाला काम बहुत फोन आते हैं अंकल, मैं नहीं करता, क्योंकि बच्चे तैयार करने में मेहनत लगती है बहुत ज्यादा। हर एक आदमी बच्चे नहीं तैयार कर पाता, टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। और जो लेके जाते हैं ना, चलो मैं हर एक की नहीं बोलता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कुछ टाइम के बाद वो थक जाते हैं और फिर उनको सोलिटरिंग में जाते हैं। तो इसलिए बच्चों का काम अपन नहीं करते जी। प्रेग्नेंट पाड़ी तो अंकल 2.5 साल में बच्चा देती है, अगर अच्छी केयर होगी तो। हाँ जी, वजन होता है? हाँ, तैयार करने पड़े 2.5 साल से पहले। कितना वजन चाहिए AI करवाने के लिए? AI कराने में तो लगभग लगभग अंकल 300 के आसपास उसका वजन। 3 क्विंटल से ऊपर? 3 क्विंटल ऊपर चाहिए, अगर अच्छी हाइट, मतलब उसको, क्योंकि बच्चा दाने की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा ना, उसकी हुई या नहीं हुई है। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ लोगों को भी नुक्ते बता दिया, पैसे मांगते? नहीं नहीं, मैं कोई पैसे नहीं मांगता अंकल। अगली दिखाओ। हाँ, पेंट लेके आया था अंकल 20 लीटर की बाल्टी। तो एक बार नहीं, ये नेचुरल है। नेचुरल है अंकल। खरीदी आपने? कितना दाम लगाया? रेट इसको 120। एक पीस कितना दूध? दूध 12 लीटर। 12 लीटर, 6-6। तो कितना रेट बताया? 120। साथ में क्या है, मेल फीमेल? इसका फीमेल। फीमेल कितने दिन का बच्चा है? तो अभी 4-5 दिन का बच्ची है। अच्छा, तो 12 लीटर पे आ गई। हाँ। अच्छा, एक बात, शादी हुई? हाँ जी, बिल्कुल। शादी हुई तो उन्होंने क्या क्या देखा था? पता नहीं जी। मुस्कान देखी थी? नहीं, मुस्कान मुझे लगता है कि मुस्कान में ही फंस गए। मैं तो उस टाइम स्टडी पे था, मैनेजमेंट कर रहा था अंकल, उस टाइम शादी घर वालों ने फिक्स कर दी। उन्होंने क्या देखा? मुस्कान उसी में फंसे? क्या पता जी क्या देखा। कितना पड़े जॉब करते? जॉब मैं NDRM सर्विस पे लगा था। अच्छा, मैंने लगभग 10 साल जॉब की है। हाँ। उसके बाद मेरी ट्रांसफर हो गई थी मेहसाणा। अच्छा, वहाँ नया प्लांट ओपन हुआ था, एज ए ट्रेनर वहाँ पे जाना था। घर के मतलब भाई जो बाहर फॉरेन में है, घर पे मैं अकेला था तो नहीं। कौन सी कंट्री में? वो अभी स्टुटगार्ट है, जर्मनी में। जर्मनी? हाँ, वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैडम कितना पढ़ी? मैडम ग्रेजुएशन की है। हाँ जी, घरेलू? घर पे है जी। जो मेरी जॉब थी, लेकिन अपना माइंड स्टार्टिंग से सेट था। कितने पैसे मिले? हमारे पैसे कोई आप तो व्यापारी नहीं, भले व्यापारी हो,
लेकिन इंसान है और पैसे वाला या दहेज वाला वो लालच ही नहीं है। बढ़िया बात, चलो फादर शुरू से टीचर थे। अच्छा हाँ, फैमिली पूरी मतलब एजुकेटेड रही है। इसकी उम्र ज्यादा है? नहीं जी है? नहीं, मुंह से चार दांत पे आई है, पहली बार बच्चा दिया है। अच्छा, मौके पे 7-7 लीटर दूध है, 14 लीटर। 14 लीटर हाँ, पहली बार बच्चा दिया। पहली बार बच्चा दिया है। ब्याही आज 9 दिन की हुई है। हाँ, दाम क्या है? कितने की ली भाई? 120। हाँ जी, 120। 120 का। वो सारी फैमिली टीचर थी? नहीं नहीं, फादर टीचर था, आगे प्रिंसिपल रहा, सिस्टर है वो भी प्रिंसिपल है। अच्छा, भाई है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ, फादर के साथ काम किया? मैंने फादर के साथ में काफी टाइम तक चला। कितने वो जो सर्विस पे थे, 7-7 व्यापार कर लेते थे, एक दो ले आए बेच लिए। कितनी बार पिटे हो? बहुत बार पिटा। सही बात? हाँ, बहुत बार पिटा। डंडे से, जूते से, थप्पड़ से? पड़ गए? किस बात में पड़ते ज्यादा? बस कुछ शरारत कर दी, कुछ कहीं काम गलत कर दिया या कुछ भी करके, पढ़ाई बदल भी पिटे हैं जी। तो नहीं, व्यापार में? व्यापार में नहीं पिटे जी। तो ये आजकल के लड़कों को क्या मैसेज हो गया? नहीं, काम आजकल ना अंकल, जो जितने भी नई यंग जनरेशन है वो नाम के लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम भी देख भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, और डेयरी फील्ड का नाम बदनाम भी होता जा रहा है, जबकि नए नए यंग जो हैं वो इस फील्ड में ज्यादा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर के जो फार्मर है ना, हरियाणा से अगर हम बाहर की बात करते हैं, वो इस फील्ड में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसमें काम भी अच्छा है, पैसा भी है, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला की इतनी सैलरी नहीं होगी जितनी इस काम में हमें मिल जाता है। लेकिन नए लड़कों को उनका पूरा जब तक अनुभव नहीं है ना किसी चीज का, हमने यहाँ पे जो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्व किया है, वो ना उनको किसी पशु के आंचल का पता, ना उनकी बीमारी का पता, कोई पशु कोई शरीर निकालने वाला है या कोई कैसा है, कुछ नहीं है। खाली कस्टमर आया, ये भाई आ गया, इसने बोला ये अच्छी है, हाँ अच्छी है, ले ले। तो उससे एक बार ले जरूर जाएंगे, एक ही लोड वो लेके गए, जाते ही वो लॉस हुआ, लॉस होने के बाद वो डेयरी वहीं पे स्टॉप होगी। बड़ी अनुभव की बातें की आपने, बहुत अच्छे विचार भी दिए हैं, और हमको हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इन लोगों के साथ भी हैं, इनको देख के दूसरे लोग भी इस काम को अपनाएं, ताकि नकली दूध की बजाय सही दूध लोगों को मिले। नहीं, इस भाई ने लिए अंकल, दो तीन ये सामने एग्जांपल बैठे हैं, दो तीन सिलेक्ट किए हैं, मैंने मना कर दिया, मतलब भाई। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।